जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। छात्र छात्रा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छात्र संगठन विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण यह घटना हुई है। विश्वविद्यालय परिसर में ना सुरक्षा गार्ड तैनात हैं और ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये बहुत ही गलत और शर्मसार घटना हुई है। हम सबको साथ मिलकर उस पीड़िता को न्याय दिलवाना चाहिए, ना कि इस घटना को राजनीतिक रूप दिया जाना चाहिए। ऐसी घटना क्यों हुई है? विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है और विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक नहीं जीता है, तो हम यही अवगत कराना चाहते हैं और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन उस पीड़िता को संबल प्रदान करने के लिए राहत पैकेज भी जारी करे और उस बच्ची के शिक्षा का भार भी उठाए। हम शुक्रवार को यह घटना से पूर्व कई प्रकार के ज्ञापन दे चुके थे, उसमें सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे जैसी इस प्रकार की भी मांग रख चुके हैं, तो प्रशासन यह क्यों नहीं देता था? सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाता? एक बार नहीं 20 बार छात्र नेता मांग उठा चुके हैं और गार्डों की बात है, गार्डों की 20 बार मांग उठा चुके हैं, गार्ड नहीं लगा रहे हैं, दीवारें टूटी हुई वो नहीं सही करवा रहे, प्राथमिक उपचार है यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें कुछ व्यवस्था नहीं, बहन के कैंपस के अंदर ये घटना होती है और यहाँ पर कैंपस के अंदर प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है, फिर प्रशासन क्या कर रहा? जो घटना हुई उसके बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी जो कि नियमित विद्यार्थी था, उस एमए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का विद्यार्थी था, उसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। दूसरा विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं था परंतु विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उसने एप्लीकेशन डाल रखी थी, उसके एप्लीकेशन को भी तुरंत जो है रोक दी गई और उसका एडमिशन विश्वविद्यालय में नहीं होगा। ऐसा हमें चीफ डॉक्टर साहब ने बताया था, सीसीटीवी कैमरा लगाने की थी, यहाँ 4 दीवारी जो टूटी है उसकी रिपेयरिंग की थी, हम शीघ्र ही आज ही आदेश जारी करा के इसको शुरू कराएंगे।